क्या आपको पता है शिव जी के माता पिता कौन हैं? तो भगवान त्रिदेव में से एक देव थे भगवान शिव। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। भगवान शिव को कई और नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे महादेव, महेश, भोलेनाथ, शिव शंकर, रुद्र, नीलकंठ इत्यादि बहुत से नामों से पुकारा जाता है। तंत्र साधना में भगवान शिव को भैरव के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है भगवान शिव। वेद में इन्हें रुद्र के नाम से भी जाना जाता है। शिव इंसान की चेतना के अंतर्यामी है, यानी इंसान के मन की बात पढ़ने वाले हैं। इनकी अर्ध गणी यानी देवी शक्ति को माता पार्वती के नाम से जाना जाता है। इनकी अर्धांगनी सबसे पहले माता सती थी, लेकिन उन्हीं सती को शक्ति के रूप में पार्वती नाम भी पड़ा है। भगवान शिव के दो पुत्र कार्तिकेय और गणेश हैं, और एक पुत्री अशोक सुंदरी भी है। शिव जी आपने अधिकतर योगी या ध्यान की मुद्रा में ही देखा होगा, लेकिन ऐसे बहुत कम रहते हैं। वो अधिकतर ध्यान लगाए ही रहते हैं, लेकिन उनकी पूजा शिवलिंग और मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है। शिव जी के गले में हमेशा नाग देवता विराजमान रहते हैं, और इनके हाथों में डमरू और त्रिशूल दिखाई देता है। भगवान सदा शिव परम ब्रह्म है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान इन्हीं को ईश्वर कहते हैं। अकेले रहकर अपनी इच्छा से सभी ओर विचरण करने वाले सदाशिव ने अपने शरीर से देवी शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। देवी शक्ति को पार्वती के रूप में जाना गया है, और भगवान शिव को अर्धनारीश्वरम्बर के रूप में जाना जाता है। वही देवी शक्ति को प्रकृति गुणवती माया बुद्धवती की जननी तथा विकार रहित माना गया है। श्रीमद् देवी महापुराण के मुताबिक भगवान शिव के पिता के लिए भी एक कथा है। देवी महापुराण के मुताबिक एक बार जब नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से सवाल किया कि इस सृष्टि का निर्माण किसने किया, आपने, भगवान विष्णु ने या फिर भगवान शिव ने, आप तीनों को किसने जन्म दिया है, यानी आपके तीनों के माता पिता कौन है? तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से त्रिदेवों के जन्म की गाथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई है। यानी प्राकृतिक स्वरूप दुर्गा ही माता है, और ब्रह्म यानी काल सदाशिव पिता है। एक बार श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी का इस बात पर झगड़ा हो गया कि ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तेरा पिता हूँ, क्योंकि यह सृष्टि मुझसे उत्पन्न हुई है, मैं प्रजा पिता हूँ। इस पर विष्णु जी ने कहा कि मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। सदाशिव ने विष्णु जी और ब्रह्मा जी के बीच आकर कहे, हे पुत्रो, मैंने तुमको जगत की उत्पत्ति और स्थिति रूपी दो कार्य दिए हैं। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को दो कार्य संहार और तिरोगति दिए हैं। मुझे वेदों में ब्रह्म कहा है, मेरे पांच मुख हैं। इस मुख से अकार अ, दूसरे मुख से उकार उ, तीसरे मुख से मुकार म, चौथे मुख से बिंदु तथा पांचवे मुख से नाद प्रकट हुए हैं। उन्हीं पांच अवयव से एकीभूत होकर एक अक्षर ओम बना है। यह मेरा मूल मंत्र है। उपरोक्त शिव महापुराण के प्रक्रम से सिद्ध हुआ कि श्री शंकर जी की माता श्री दुर्गा देवी अष्टांगी देवी हैं तथा पिता सदाशिव अर्थात काल ब्रह्म है। अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले,
ताकि और भी अच्छी अच्छी जानकारियां आप हमसे पा सके। तो जल्दी कीजिए, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ताकि आपके साथ ये भी हमसे कुछ अच्छी जानकारियां पा सकें। हर चीज में अच्छी जानकारियां हम आपको पर डे देते रहेंगे, तो आप अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और उसे शेयर करें। थैंक्स।